पार्ट नंबर 3 अस्थितंत्र। अस्थितंत्र कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है? प्रगंडिका। प्रगंडिका पैर का हिस्सा नहीं है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है, प्रगंडिकाओं की संख्या 2 होती है। विकल्प में दिए गए 3 पैर की हड्डियां हैं फीमर, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। पैर का हिस्सा नहीं है, प्रगंडिका पैर का हिस्सा नहीं है और 3 पैर के हिस्से हैं। हड्डियों की कोमलता को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों की उसको कहते हैं कोमलता को, नरम हड्डियाँ। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। ऑस्टियोमलेशिया क्या है? जिसमें वो हो जाते हैं, चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, छोटा मोटा वो है। अब सूची का मिलान करो, अब आज इरेगुलर नॉन एक्सियल है ना, इरेगुलर नॉन एक्सियल, हींग यूनिएक्सियल, कोडिलाइड वायोएक्सियल, बाल एड साकेट ट्राइएक्सियल। मान अब देखो चैन और जो मानव शरीर में जोड़ गति करने में सहायक होते हैं उन्हें हम चल संधि कहते हैं। चल संधि कहने की जोड़ना, चल संधि कहने की इसे जोड़ की विशेषता निम्न है। एक आर्टिकुलर केविटी मौजूद होती है, जोड़ स्लीव प्रकार में लिगामेंट युक्त कैप्सूल में बंद होता है। आर्टिकुलेटिंग सतह सफेद फाइब्रो कार्टिलेज की टंकी में होती है। सिनोवियल मेंबर्स मौजूद सिनोवियल द्रव का स्त्राव करता है। सिनार्थ्रोसिस जॉइंट की विशेषता बताओ। सिनार्थ्रोसिस जॉइंट की विशेषता है एक अचल जोड़ जिसमें हड्डियां एक दूसरे के रेशेदार संयोजन तक द्वारा जुड़ी होती हैं। यह एक अचल जोड़ है जिसमें हड्डियां एक दूसरे से रेशेदार संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसी संधि की विशेषता वे कार्टिलेजिसन प्रकार की होती हैं, वे फाइबरस प्रकार की होती हैं, वे लिगामेंट प्रकार की होती हैं, उनमें आर्टिकुलेटर केविटी नहीं होती है। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? परिमाण व आकार के आधार पर है ना। अच्छा ऑसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी में, पिछले तथा निचले हिस्से पर स्थित रहती है जिसकी संख्या 1 होती है। ऑसिपिटल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन मतलब हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अच्छा पेरिटल अस्थि स्थित होती है खोपड़ी में, पेरिटल अस्थि भी खोपड़ी में स्थित होती है। अच्छा पेरिटल अस्थि खोपड़ी में स्थित होता है। सर्वाइकल रेडियडी में स्थित है, फीमर पैर में होती है, रेडियल हाथ में होती है, स्टेपीज कान में होती है। अच्छा शब्द प्यूजी फॉर्म किससे संबंधित है? अस्थि पेशी से संबंधित है। प्यूजी फॉर्म किससे संबंधित है? अस्थि पेशी से संबंधित है। अच्छा स्टर्नम स्थित है छाती में, स्टर्नम छाती में स्थित होता है। स्टर्नम स्थित छाती में पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्नम कहलाती है। यह सामने वक्स बीचों बीच होती है। इसमें 3 खंड होते हैं, मेनोवरियम, वोडी जिफाइड प्रोसेस नोट। क्रेनियम अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है, फीमर पटेला टिबिया और फिबुला अस्थि पैर में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी बाह में तथा रेडियस एवं अल्ना अग्र बाह में पाई जाती है। हाथ में ना अल्ना रे। अब इसके पुला अस्थि स्थित होती है ऊपरी पश्चिम में। इसके पुला मतलब पैर में जाना बड़े ऊपर ना है ना, इसके पुला अस्थि ऊपरी पश्चिम, इसके पुला मेखला। अच्छा कुल्हे के जोड़ का वर्गीकरण करो। कंदुक खल्ली का संधि, निम्नलिखित में से कब्जा संधि का उदाहरण है घुटना। घुटना कब्जा संधि का उदाहरण है। कब्जा संधि का उदाहरण घुटना है। कब्जा संधि ऐसा जोड़ है जो केवल एक ही ओर आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, एक ही तरफ। ठीक है, जिस प्रकार दरवाजे के कब्जे लगी होती है उसी प्रकार का कार्य करता है। शोल्डर गर्डल में हड्डियां होती हैं। शोल्डर गर्डल में क्लेविकल और स्केपुला, क्लेविकल और स्केपुला। क्रेनियम हड्डी खोपड़ी में पाई जाती है, मैंडिबल हड्डी जबड़े में पाई जाती है। मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी होती है ना। 2 पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को कहा जाता है सजिटल सूचर। सजिटल सूचर 2 पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को सजिटल सूचर कहा जाता है। यह फ्रंटल हड्डी के पीछे स्थित होती है जो सेजिटल सूचर के रूप में जुड़ी रहती है। इनकी संख्या 2 होती है। इथमोइड हड्डी संबंधित है नाक से, इथमोइड नाक में पाई जाती है। इथमोइड
इथमोइड हड्डी नाक से संबंधित है। अच्छा सूची का मिलान करो, सिंडियो मोसेस हल हल की चल संधि है, गोम्फोसेस अचल संधि है, सिंकोड्रोस सेम साइंथ्रोसेन सिंफेसेस एम्फियर्स थ्रोसेस। सिर से पद तक अस्थिबंध का सही क्रम निम्नलिखित है ना, कोरालोए क्रीमियल, कोरालोए क्रीमियल, ट्रांसवर्स ह्यूमरल, इन्फीरियर ग्लोनेहमियस ह्यूमरल, एन्यूलर अस्थिबंध। पैरागोट ट्रांसेस्टर अस्थि का एक बड़ा घूमटेदार प्रक्षेप, ट्यूबरकल अस्थि का एक छोटा घूमटेकार प्रक्षेप, प्रोसेस अस्थि का प्रक्षिपित भाग, स्पाइल अस्थि का नुकीला प्रक्षेप। अब निम्नलिखित में से कंकालपेशीय तंतु के पतले मायोफिलामेंट्स की अभिलक्षण कौन से हैं, इनमें एक टीन होता है, इनमें ट्रोपोनिन होता है, यह जेड लाइन से जुड़ी होती हैं। इसमें अच्छा कंकाली पेशी तंतु के पतले मायोफिलामेंट के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं, इनमें से एक्टिन होता है, इनमें ट्रोपोनिन होता है, यह जेड लाइन से जुड़ा होता है। अच्छा सुमिलिखित करो, वह प्रकोष्ठिका वही प्रकोष्ठिका अग्रबाहु में पाई जाती है, संबल बास्ती कलाई में पाई जाती है, वही बहिर्जंगिका पैर में पाई जाती है, आसन आसनस्थि कुल्हा में पाई जाती है, आसनस्थि कुल्हे में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्ण अस्थि है, कौन सी कर्ण अस्थि है, स्टिप्स और इकल्स कर्ण अस्थि पाई जाती है। अच्छा मध्यकर्ण के तीन कर्ण अस्थि होती हैं, मेलियस इनकस और स्टिप्स, मेलियस इनकस और स्टेप्स। मानव करण तीन कोष्ठों में बना होता है, बाह्यकरण मध्यकरण आंतरिकरण, करण का वह भाग जिसे हम सर के बाहर होता है बाह्यकरण कहलाता है, बाह्यकरण करण पल्लव नामक चौड़े भाग और करण पल्ली का नामक लगभग 2-3 सेंटीमीटर लंबे मार्ग से बना होता है, करण मध्यकरण गुगदरक गुगदरक निहाई और रकाब नामक तीन छोटी और सुकोमल अस्थि होती हैं, ये करण अस्थियाँ एक दूसरे से मिली होती हैं, मध्यकरण के अधोभाग में गले को जा रही ट्यूरटे की नलिका नामक एक संकीर्ण नलिका होती है, आंतरिक करण में कर्णावत नामक एक कुंडलित नलिका होती है। मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका कितनी है, 12 है। मानव शरीर में वक्षीय कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, 12। वक्षीय कशेरुकाओं वक्ष के मध्य और पसलियों के मध्य होती है वक्षीय कशेरुका। सूची का मिलान करो, मेलियरा कर्ण की संबंधित है, मैक्सिला ऊपरी जबड़ा, मैक्सिला ऊपरी ऊपरी जबड़ा, स्केफॉइड कलाई के संबंधित है, स्टर्नम वक्ष के संबंधित है। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सी कलाई की अस्थियां हैं, बी और सी, अर्धचंद्राकार और समुंड, टेपिटेट कलाई के संबंधित है, अर्धचंद्राकार और समुंड। अच्छा कलाई को बनाने वाली कार्पल हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है, ये छोटी छोटी तथा असमान आकार की होती हैं, 8 हड्डियां 4-4 संख्या में 2 लाइनों में व्यतीत होती हैं, निकटतम पंक्ति पास की लाइन ने दूर की लाइन, सभी सिनोवियल संधियां हैं सचल, सभी सिनोवियल संधियां क्या है, सचल है। अच्छा कपाल अस्थियां उदाहरण है चपटी अस्थियों के, कपाल अस्थियां उदाहरण किसका है, चपटी हड्डियों के, चपटी हड्डियों वे हड्डियां होती है जिनका प्रमुख कार्य या तो व्यापक संरक्षण होता है या मांसपेशियों के लगाव के लिए व्यापक सतहों का प्रावधान होता है। गाउटी आर्थराइटिस का कारण है, गाउटी आर्थराइटिस का कारण है सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना, गाउटी आर्थराइटिस जोड़ों में तिर दर्द होता है जैसे घुटने टखने कोहनी अंगूठे आदि हैं। ये हिंज जॉइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है,
हिंज जॉइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है, उपरोक्त सभी हैं। हिंज जॉइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है घुटने के जोड़, कोहनी का जोड़, उंगली का जोड़, टखने का जोड़, इंगर फेंगल जोड़। हड्डी जिगोमेटिक किसमें मौजूद है? जिगोमेटिक किसमें मौजूद है? खोपड़ी में। हड्डी जिगोमेटिक खोपड़ी में, मानव खोपड़ी में। जाइगोमेटिक हड्डी एक जोड़ी अनियमित हड्डी होती है जो कि मैक्जिला, टेम्पोरल बॉन, स्पेनोइड बॉन और ललाट की हड्डी से जुड़ती है। रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन कहाँ खालिस्तान के माध्यम से मापा जाता है? स्कोलियोमीटर। रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को किससे मापा जाता है? स्कोलियोमीटर। स्कोलियोमीटर। अच्छा, उरोस्थी भाग है वक्ष वक्ष कशेरुका का, कशेरुक। उरोस्थी भाग है वक्ष कशेरुक। उरोस्थी एक सपाट हड्डी होती है जो वक्ष के पूर्व काल पहलू पर स्थित होती है। यह छाती का मध्य स्थित है। इसका आकार टी का आकार जैसा होता है। प्रथम कशेरुका को कहते हैं एटलस। प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं। प्रथम पहले गिरवा सीवन कशेरुका को एटलस कहा जाता था क्योंकि यह कशेरुका है जो कशेरुका स्तंभ से ऊपर खोपड़ी का समर्थन करता है। सीवन कशेरुका में एक शरीर या स्पिनल प्रक्रिया नहीं होती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किन में सबसे आम है? बच्चों में होता रहता है। हड्डियों के नरम होने पर बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सबसे अधिक बार होता है। किस प्रकार की मांसपेशियां? संकुचन से मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जोड़ या अंग गति नहीं होती है। आइसोमेट्रिक संकुचन। अच्छा, कील संधि संबंधित है तंतु संधि। कील संधि संबंधित है तंतु संधि से। मुख्य रूप से कोलेजन से मिलकर घने संयोजक ऊतक जुड़े जाते हैं। इन जोड़ों को स्थित या अचल जोड़ भी कहा जाता है क्योंकि स्थानांतरित नहीं होते हैं। अच्छा, क्यूबोइड अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। क्यूबोइड अस्थि पैर में पाई जाती है। क्यूबोइड हड्डी पैर की पार्श्व तरफ स्थित सात टार्सल हड्डियों में से एक है। सात टार्सल हड्डियों में से एक है। यह हड्डी क्यूब के आकार की है, पैर और टखने के जोड़ती है। यह पैर की स्थिरता भी प्रदान करती है। क्यूबोइड पैर को स्थिरता प्रदान करती है। सबसे बड़ी सीस्मोइड अस्थि है पटेला की। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 है। स्कोलियोसिस खालिस्तान से संबंधित एक आसानीय विकृति रीढ़। स्कोलियोसिस रीढ़ से संबंधित एक आसानीय विकृति है। अच्छा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। स्टेप्स कान की पाई जाती है। सही दिए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कि कान के बीच होती है। इसकी लंबाई लगभग 101 इंच या 2.8 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के भ्रंश को व्याख्यायित नहीं करना पहचानिए? नस में डाला गया वह उत्तर नंबर ग्रिनिस्टिक जटिल और अब आगे। वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है स्टर्नल। वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है स्टर्नल। वक्ष अस्थि का शरीर छाती की अस्थि यह वक्ष के ठीक नीचे अवस्थित होती है। अच्छा, जांग की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है फीमर। फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। और सबसे छोटी अस्थि की 1.101 तो बस 101 इंच थी बात। 2.8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में याद रहा हूँ। अरे वो भी सेंटीमीटर में देवे सर 48 सेंटीमीटर 2.8 बार। अच्छा, सूची का मिलान करो। सीस्मोइड बोन पटेला से, शॉर्ट बोन कार्पल से, फ्लैट बोन स्केपुला से, इरेगुलर बोन स्पेनोइड साइवराइकल। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि मतलब हार्ड में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। CA। अच्छा, अस्थि में अकार्बनिक पदार्थों की संख्या लगभग 45% होती है। संख्या नहीं, वो अस्थि में अकार्बनिक पदार्थ लगभग 45% होते हैं। अच्छा, शरीर में स्कैफोइड हड्डी कहाँ पाई जाती है? कलाई में पाई जाती है। दाएं हाथ की हड्डी की ओसिफिकेशन स्तर का उपयोग किसका निश्चित करने के लिए किया जाता है? आयु का। दाएं हाथ की हड्डी का आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं रेखित। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस फॉस्फेट। अच्छा, मानव को बड़ी मेडिक संख्या 28। देख,
कपाल में 8, चेहरे में 14, कणस्थि में 6, मान रहा हूँ खोपड़ी में 28 बता देगा। आगे क्वेश्चन चलो, एक मिनट, 28 मान रहा हूँ खोपड़ी में, 22 बता देते हैं, 28 यहाँ सही जी, 22 भी 28 भी जी, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 और 28, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। अच्छा कपाल में 8, चेहरे में 14 और कर्णस्थियाँ 0 से 6 होती है। रेडियस एवं अलनास्थियाँ किस अंग की स्थित है? अग्रबाहु, हाथ में रेडियस और अलना, पर बाहु की अस्थियाँ में बही प्रकोष्ठिका तथा अंत प्रकोष्ठिका दो अस्थियाँ होती है। रेडियस अस्थि बाहर की ओर स्थित होती है जबकि अलना स्थित छोटी उंगलियों की ओर स्थित होती है। खोपड़ी हड्डी, खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को कहते हैं सूचर। कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? प्रगंडी का हिस्सा नहीं है, प्रगंडी का। अच्छा अंश फलक अस्थि स्थित होती है ऊपरी पीठ में। यह लंबी तिकोनी तथा चपटी अस्थि है जो दूसरी व सातवीं उपसलियों के मध्य कंधे के नीचे पीठ की ऊपरी भाग में स्थित होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम कौन सा है? मैंडिबल, जबड़े की हड्डी है शायद, मानो जबड़े निचला जबड़ा की हड्डी है मैंडिबल। अच्छा हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। हड्डी का कड़ापन कैल्शियम के कारण होता है। अस्थि से मुझे अस्थियों की 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन तथा 62% भाग कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम फास्फेट से बना होता है। 38% तो ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है और बचा 62% भाग फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम से बना होता है। ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है ऊपरी लिंब में। अच्छा मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है 33। मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है 33। अच्छा गर्दन में 7 पाए जाते हैं, कट्टी कमर में 5 पाए जाते हैं, अनुत्रिकाष्ठ में 4, कुल 33 हो गई। वक्ष में 12, त्रिक में 5, 33 हो गई है। इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? फीमर, जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी की 2.8 सेंटीमीटर है। अच्छा निम्नलिखित में से किस में निष्क्रमांक तत्व नहीं है? स्वच्छ जल में सर्वोत्कृष्ट निष्क्रमण सूर्य की किरणें जिनका इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है, कर्फ्यू उदाहरण के लिए। अच्छा मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या होती है 14। मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या 14 होती है जिनका नाम इस प्रकार से वोमर 1 है, नेजल 2 है, लेक्राइमल 2 है, पेलेटाइट 2 है, मैंडिबल 1 है, इन्फीरियर नेजल कोचा 2 है, जाइगोमेटिक 2 है, मैगजिला 2 है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पाई जाती है 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। खोपड़ी में 29, मेरुदंड में 26 या 33, पसलियों में 24, मेखला में 1, पादों में 126। इस प्रकार से हमारे शरीर में कितनी जोड़ी हड्डी पसलियाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। प्रथम 7 जोड़ी यथार्थ, 8, 9, 10 जोड़ी पसली गौण होती हैं, 11वीं 12वीं जोड़ी पसलियाँ शल्य पसलियाँ होती हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच का अंतर किस नाम से जानता है? पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर। नाड़ी दाब सामान्य 30 mmHg से 40 mmHg है ना, नाड़ी ये हो गया। घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं पटेला, पटेला। अच्छा मानव शरीर में लंबी अस्थि का कार्य है लीवर के रूप में कार्य करना, मानव शरीर में लंबी अस्थि का कार्य लीवर के रूप में कार्य करना। अच्छा निम्नलिखित में से किस में अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत है? कैल्शियम और फॉस्फेट, अत्यधिक मतलब इनमें से किसका अधिक अधिक पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दाहिने हाथ की अस्थि में अस्थिग्रहण तकनीक का उपयोग इसके निर्धारण में होता है उम्र, उम्र का निर्धारण किया जाता है। 54% आ गयो। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है उर्वस्थि, सबसे लंबी अस्थि उर्वस्थि। अच्छा अस्थि की घनत्व तो इनमें अधिक होता है, पुरुष में होता है, महिलाओं में कितना होता है? 2.90 ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर, पुरुषों में 388 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। स्कंदास्थि यहाँ होती है ऊपरी कमर में, ऊपरी कमर में जो क्लेविकल और ह्यूमरस हड्डियों से मिलकर जोड़ बनाती है। पैरों की कौन सी हड्डी नहीं है? कार्पल। निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बाह मानव रीढ़ की हड्डियों में कशेरुकाओं से लेकर हड्डी होती है? मेरुदंड की रीढ़, मेरुदंड को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, जो गर्दन से लेकर पूंछ अस्थि तक 33 अस्थियों से स्तंभ होती है, जिसके प्रत्येक अस्थि को कशेरुका कहते हैं। इसके 5 भागों में बांटा गया, गर्दन, वक्ष, कटी, त्रिक, अनुत्रास्थिक, कशेरुका। 5 भागों में बांटा गया, गर्दन में 7 पाए जाते हैं, वक्ष में 12 पाए जाते हैं, कटी में 5 पाए जाते हैं, त्रिक में 5, अनुत्रास्थिक में 4 पाए जाते हैं। वयस्क मानव को लेके की कशेरुकाओं आपस में जुड़कर दो अस्थि बनाती है। इस प्रकार वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल 26 अस्थि होती है। किस स्थिति में वर्टेबल्स डिस्कस पर सर्वाधिक दबाव होता है बैठने पर? मानव कंकाल के सिर से लेकर पैर की अंगुलियों तक की हड्डियों का क्रम में व्यवस्थित करो। पहली आवली मैक्सिलरी बोन, हायोइड कंठिका, कंठिका स्टर्नम, टालुस क्यूबोइड, क्यूबोइड। निम्नलिखित में से किस पर सेसामोइड हड्डियां पाई जाती हैं? विकलाई की पीसी होम और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। अच्छा, सामान्य वक्ष मेरुदंड पहले से बाहर मानव कंकाल के सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक की हड्डियों का क्रम व्यवस्थित करो। फिर आगे निम्न में थे किस हड्डियों पाई जाती हैं? ये हो गया, कोण कितना है सामान्य वक्ष मेरुदंड से पहले और बाहर हुए कशेरुकाओं के मध्य का कोण कितना होता है? 20 से 45 डिग्री का कोण होता है। अच्छा, एक सामान्य वक्ष मेरुदंड 1 से 12 कशेरुकाओं तक फैली हुई होती है, जिसमें 12 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच कायोप्टिक कोण होता है। कायोप्टिक कोण होता है 45 डिग्री के बाद। बौद्धिक क्षमता कोर्टेक्स के बी किस भाग का कार्य क्षेत्र होता है? फ्रंटल भाग का। टेम्पोरल भाग तो क्या करता है? यह हड्डी खोपड़ी के निचले भाग और कान के ऊपरी भाग जिससे में स्थित रहती है, इसकी संख्या 2 होती है। ऑक्सीपिटल इसके खोपड़ी के पिछले हिस्सा तथा दीवार निर्मित होती है, इसकी संख्या 1 होती है। फ्रंटल भाग या माथे के डी होती है, इसकी संख्या 1 होती है। इसका कार्य क्षेत्र बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शित करना है। पेराइटल भाग या फ्रंटल हड्डी के पीछे स्थित है, जिसकी संख्या 2 होती है। 312 का मायने कहे से हो सुमेलिखित कूटाड़ हो त्रिकास्थिक गिरवा बक्से कपाल कांटे हक। कौन सी हड्डियाँ खोपड़ी की गतिशील भाग नहीं होती हैं? डी बी सी डी बी मैगजिला, फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन। मैंडिबल अलग हो गई। मैक्सिला, फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन खोपड़ी की गतिशील भाग नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से हड्डियों के मध्य पार्श्विक और की ओर के क्रम में व्यवस्थित करो। इसमें आ गया बी सी ए डी ई बी। पीजी फॉर्म हड्डी कलाई की समीपस्थ पंक्ति में पाया गया एक छोटी सी हड्डी है। हेमेट यह अनियमित प्रकार की कार्पल हड्डी है। हेमेट कार्पल हड्डियों की बाहर की पंक्ति में भीतर पाया जाता है और छोटी अंगुलियों के मेटाकार्पल्स को रोकता है। कैपिटेट हाथ में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कलाई की हड्डी है। ट्रेपीजोइड हाथ में पाए जाने वाले एक चार तरफा कार्पल हड्डी है। ट्रेपीजोइड कार्पल हड्डियों की बाहर की पंक्ति में पाया जाता है। ट्रेपीजियम कार्पल की रेडियल कथनागो सुमेलिखित करो। प्यूबिक गर्डल की कोक्सल हड्डियां इलियम। कान की ऑक्सिकल्स कोकलिया। मसल प्रोटीन्स रोडोप्सिन, पाइरीमाइडिन, साइटोसिन। मानवीय त्वचा परत माप में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किन हिस्सों पर विचार किया जाता है?
ये सभी पर विचार किया जाता है, सात हिस्सों में विचार किया जाता है पुरुष एवं महिला में। ट्राइसेप्स बाइसेप्स सुपर सुपर इलिएगेट कोफ चेस्ट एब्डोमिनल थाई इन पर सब पर विचार किया जाता है। आंसर में उपस्थित अस्थि पंजर कितने होते हैं 126। कंकाल मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, अक्ष कंकाल उपांग उप कंकाल। वयस्क मानव शरीर में अक्ष कंकाल में 80 अस्थियाँ होती हैं एवं उपबंधी कंकाल में 120 अस्थियाँ होती हैं। किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ का थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है, थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है, एम्फार्थोसेस जोड़। कालिस्थान एक किस्म के मेरुदंड विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा प्रवर्ती वक्र की एक वर्दी या विस्तार अथवा एक अग्रगामी वक्र के हास का अथवा अतिक्रमण है। काइफोसिस काइफोसिस विकृति में पीठ बाहर की तरफ निकल जाती है। इस विकृति में छाती सीधी नहीं होती है, सिर और गर्दन आगे झुक जाते हैं। कुपोषण बीमारी के मांसपेशी कमजोर चटकी लकड़ मानव अस्थि पंजर के घुटने हाथ और पांव में पाई जाने वाली अस्थि कहलाती है। कंड्रास्थियाँ ये अस्थियाँ घुटने हाथ एवं पैर में पाई जाती हैं। मानव शरीर में हड्डियों को कालिस्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया, आकार व आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। लंबे अस्थियाँ कौन कौन सी हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया, फिबुला आदि। छोटी अस्थियाँ कार्पल व टॉर्सस। चपटी अस्थियाँ स्कैपुला और पसलियाँ। अच्छा अव्यवस्थित अस्थियाँ ये अस्थियाँ रीढ़ में होती हैं। सेसामोइड अस्थियाँ ये अस्थियाँ हाथ पैर घुटने में पाई जाती है। अच्छा कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में किस इस कारण होती है, हड्डियों के दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मांसपेशीय कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले तीन मूल खाद्य पदार्थों का बताओ। मांसपेशी में ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा ये मूल तीनों ही है और उसमें एक एक्स्ट्रा मिनरल विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ये तीन मूल है। स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है। स्कोलियोसिस में मेरुदंड एक ओर झुक जाती है जिसके कारण शोल्डर एक तरफ कुल्ले दूसरी तरफ झुक जाते हैं। अच्छा हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अच्छा शरीर में ऑस्टियोलॉजी साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन कहता है। ओसियोटोलॉजी हड्डियों का, आर्थोलॉजी जोड़ों का, मायोलॉजी मांसपेशियों का, न्यूरोलॉजी तंत्र का और कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है। अच्छा मदिरा शिरा मांसपेशी का प्रयोग होता है घुटने मोड़ने में। अच्छा मध्य शरीर रेखित एक ऐच्छिक मांसपेशी है जो घुटने मोड़ने में सहायक होती है। अच्छा चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है, लंबर भाग से। अच्छा दबाव में हड्डियों का टूटना आमतौर पर होता है बूढ़ों में, मतलब भंगूर हो जाए जी भाई। सूची का मिलान करो, ओसा कोक्साई बड़ी हिप की हड्डी है, टार्सल्स एडी की हड्डी है, मेटाटार्सल इन स्टेप हड्डी, एलेंजेंस टो बोन। सुमिलिखित करो, लॉन्ग हड्डी टीबिया की है, छोटी हड्डी कलाई की है, चपटी हड्डी कंधा की है, स्मोइड हड्डी पटेला की है। फिर मिलान करो, लोन बोन ह्यूमरस, प्लेट बोन फ्रंटल, शॉर्ट बोन फेलेंक्सिन, इरेगुलर बोन वर्टिब्रेट्स। स्टर्नम हड्डी स्थित है पसलियों के बीच में। अच्छा कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य सहायक तो है हड्डी निर्माण में होता है इनका कार्य। अस्थियों का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना होता है, सहारा प्रदान करना, उत्तोलक का कार्य करना, गति के सहायक होता है, सुरक्षा प्रदान करना, आरबीसी का निर्माण करना, ऊर्जा का भंडारण करना। घुटने की संधि निम्नलिखित हड्डियों से बनती है, फीमर फिबुला टिबिया। घुटने की संधि तीन के हड्डियों के जोड़ से बनती है, फीमर फिबुला टिबिया। अच्छा सूची का मिला करो, लंबी अस्थि टिबिया है, छोटी अस्थि कार्पल है, चपटी अस्थि स्कैपुला है और सिस्मोइड अस्थि पटेला है। फिर सूची का मिलान करो, पेराइटल क्रेनियल छिद्र, स्फीमोइड क्रेनियल सतह, एथीमोइड नसिका स्थादन, जायगोमेटिक गंडास्थि। अब आपको सूची का मिलान करो, अस्थि विस्थापन स्थान्योचित, अस्थि भंग भंजित, फर्स्ट एंड दर्द निवारक, चोटे अहर्ता प्राप्त, कोच की अनुपस्थिति।
अच्छा दाई ओर हड्डी की ओर टखने को उपयोग करते हैं आयोगी, दाई ओर की हड्डी की इसका उपयोग आयोग निर्धारण किया जाता है। सामान्य स्वस्थ हड्डी के उत्तक के निर्माण की दो प्रक्रियाएं होती हैं, आंत्रशोथी उत्सर्जन हड्डी की आंशिक संयोजन उत्तक सीधे पिछले अजबड़ी अग्रसर संधि का मिलान करो, ह्यूमरस ऊपर के उज्जभाग में, फिमर जंगा की अस्थि, कार्पल स्क्लाई की अस्थि, फेलेंज अंगुलियों की अस्थि, फेलेंजेंज मानव शरीर में अस्थियों किस प्रकार आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, परिणाम परिमाण व आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता मिलान करो, फिमर सबसे लंबी अस्थि है, सार्टोरियम सबसे लंबी है पेशी है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि प्रधान ग्रंथि, फिर सुमिलिखित करो, कोराकोइड प्रोसेस ऑफिस के पुला बाइसेप्स का छोटा सिरा, पोस्टीरियर ह्यूमरस ट्राइसेप्स का छोटा सिरा, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल्स ट्राइसेप्स का लंबा सिरा ऑफिस को, अच्छा सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल बाइसेप्स का लंबा सिरा, मनुष्य में चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं, मनुष्य में चेहरे की हड्डियां होती हैं 14, मनुष्य में सिर में कितनी हड्डियां होती हैं 8 होती हैं, ह्यूमरस हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं हाथ में पाई जाती हैं, ह्यूमरस हाथ में पाई जाती हैं, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, सिर में तो 8 होती है, चेहरे में 14 होती है, अच्छा रेडियस और अल्ना हाथ में है, मानव शरीर में कितनी वक्षी हड्डियां होती हैं 12 जोड़ी, सर्वाइकल रीढ़ हड्डी कितनी जोड़ कितनी होती है 7 होती है, लंबर रीजन में कितने रीढ़ हड्डी होती हैं 5 होती हैं, किस हड्डी को कोलर बोन कहा जाता है, क्लेविकल हड्डी को कोलर बोन कहा जाता है, किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड ब्लेड कहा जाता है, स्केपुला को, अच्छा मानव शरीर में बॉल और सॉकेट जोड़ कितने होते हैं 2 होते हैं, अचल संधि का दूसरा नाम क्या है, फाइब्रस साइनोथ्रोसिस, अल्पचल संधि का को और किस नाम से पुकारते हैं, एम्फीथायरोसिस, स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ की और को किस नाम से जाना जाता है, साइनोवियल जॉइंट डायथ्रोसिस, मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि है प्यूबिक सिम्पोसिस, घुटने की संधि कौन सी संधि है, चल संधि, चल संधि कितने प्रकार की होती है 6 प्रकार की होती है, संधियों में कितने प्रकार की गति होती है 4 प्रकार की गति होती है, मानव शरीर में पिवट जॉइंट कौन कौन से हैं, गर्दन तथा हाथ की रेडियस अल्ना, कलाई की कौन सी संधि कहा जाता है, कोंडिलोइड जॉइंट, कार्पल एवं टार्सल हड्डियां को किस प्रकार की संधि कहा जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट, संधि के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को कहते हैं लिगामेंट, संधि में दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण सटा रहता है क्या कहलाता है, कार्टिलेज, संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है साइटोनिवियन फ्लूइड, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी और कहाँ पाई जाती है, फिमर जांग में पाई जाती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में पाई जाती है, अच्छा अपर लिंब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस, टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, संधि का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थोलॉजी कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी, मानव शरीर में कितनी